Hello everyone, I'm Asit Kumar Tirki and you are watching Asan English Channel. So today we are going to learn to change the sentences, okay? So आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेंटेंस को चेंज करना, ठीक है? सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम सीखेंगे आज. तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं हर चीज़ को एक एक चीज़ को धीरे धीरे से चेंज करने के लिए सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है. हम साधारण वाक्य में ही जो है हमेशा तो बात नहीं कर सकते, या फिर हमेशा वाक्य नहीं बना सकते हैं. उसको नेगेटिव में भी चेंज करना होता है, नकारात्मक वाक्य बनाना होता है, क्वेश्चन भी बनाना होता है. तो ये सबको चेंज करने के लिए हमें आना चाहिए. ये सब में जो है बेसिकली लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे है ना, सिक्स स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे जो है बहुत ही गलती करते हैं. कहाँ पर डू लगाना है, कहाँ पर डस लगाना है, कहाँ डिड लगाना है, कहाँ यस को हटाना है, कहाँ नोट लगाना है, ये सब चीज़ में जो है कन्फ्यूजन्स रहते हैं, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं एक एक करके धीरे धीरे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो हम सीख रहे हैं क्या, चेंजिंग ऑफ सेंटेंस हम सीख रहे हैं. अब सबसे पहले है ना, मैं ये बता दूँ कि हम लोग ये सीखे थे कि वाक्य को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो ये जब हम चार वाक सीखने वाले हैं वो बेसिकली लोअर स्टैंडर्ड्स के बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है? वो चार भागों में कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं पांच भागों में, कहीं कहीं तीन भागों में, है ना? तो हम ये मीनिंग के अनुसार जो वाक्यों को बांटा जाता है उसको हम सीखने जा रहे हैं. तो उसमें फर्स्ट वाला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है? और सेकेंड वाला क्या है, नेगेटिव. उसके बाद में थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फोर्थ वाला क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, है ना? साधारण वाक्य मतलब जिसमें नेगेटिव भी ना हो और क्वेश्चन भी ना हो, साधारण हो, ठीक है? जिसमें सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, उसको बोलते हैं साधारण वाक्य. उसके बाद में ये क्या है, नेगेटिव क्या है, नकारात्मक वाक्य. और इंट्रोगेटिव क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य. और लास्ट वाला क्या है, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है? जिसमें प्रश्न भी हो और नकारात्मक भी हो. तो साधारण वाला है ना, साधारण वाला मतलब जिसमें नेगेटिव भी ना हो और जिसमें क्वेश्चन भी ना हो, और नकारात्मक जिसमें नॉट हो, नहीं हो, ठीक है? कोई अगर मान लो पूछता है कि आप खाना खाए, नहीं मैं नहीं खाया, नहीं बोलने के लिए हम नकारात्मक यूज करते हैं. अब प्रश्न तो हमको पता है क्वेश्चन बनाने के लिए, और प्रश्नवाचक और नकारात्मक जिसमें दोनों हो, प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नेगेटिव भी हो, तो वो होता है प्रश्नवाचक नेगेटिव वाक्य, या फिर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य हम उसको बोलते हैं, ठीक है? तो मैं एक एक करके आपको अभी समझा देता हूँ. सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और नीचे वाले को मिटा देते हैं, बाद में एक एक करके सीखेंगे. वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिएगा, समझ में आ ही जाएगा. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको क्या ध्यान रखना है, उसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसमें होगा क्या, मेन वर्ब होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अगर जहां भी ये मिलता है तो होता है अफर्मेटिव वाक्य, है ना? एग्जांपल देखो, एक आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. तो ये क्या है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें एक है ना सब्जेक्ट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें नेगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा. तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर साधारण वाक्य हम कहते हैं. तो ये साधारण वाक्य को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, ये अभी हम सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए, तो हम इसको मिटा देते हैं
और हम सीखेंगे क्या, नेगेटिव बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, इसमें तो आपको तो पता है इसमें क्या लगाते हैं, नॉट का उपयोग इसमें हम लोग करेंगे। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या का उपयोग करेंगे? नॉट का उपयोग करेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का उपयोग ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज कहां पर होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उसमें डू डस लगाते हैं, कब डू डस लगाते हैं, कब डिड लगाते हैं, है ना, कहां पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको मैं एक एक करके अभी समझाऊंगा जल्दी से। तो उसके पहले आप ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव में जो है नॉट का उपयोग किया जाता है कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब हम नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस चेंज हो जाता है नेगेटिव में, नकारात्मक में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से बहुत कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होता है। नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उपयोग करते हैं, वो क्या है? डू और डस, ठीक है। डू और डस। अब ये डू कब लगाते हैं, डस कब लगाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। ये डू जो है किसी किसके साथ में लगाते हैं? आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में और दे के साथ में हम लगाते हैं क्या? डू, ठीक है। और ये डस जो है ही, शी और इट के साथ में हम क्या लगाते हैं? डस का उपयोग करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। जब भी सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तब भी हम डस का उपयोग करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल, प्लूरल होता है, तब हम क्या लगाते हैं? डू का उपयोग करते हैं। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां एग्जांपल देखो, एग्जांपल पहले हम इसका लेते हैं, बहुत ही छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई ईट मैंगो, ठीक है। यहां पर यह कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट में है। इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो ये चेंज जगह कैसे? आई डू, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिए। अब हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दिए, आई डू नॉट ईट मैंगो। ये चेंज हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार से हमको चेंज करना है। अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एक से ज्यादा होता है, तब भी हमको क्या लगाना है? डू लगाना है। उसका एग्जाम्पल भी देखो यहां पर, द बॉयस सिंग वेल, द बॉयस सिंग वेल। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? द बॉयस, द बॉयस डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट, डू नॉट फिर सिंग वेल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दोबारा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी हम डस का देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब डस का एग्जांपल देखो, डस कहां पर लगाते हैं, है ना। ही टीचेस वेल। अब यहां पर देखो, ही टीचेस वेल, हमको पता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शीट के साथ में वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, तो इसलिए यहां पर एस लगाया हुआ है, ही टीचेस वेल। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ध्यान ये रखना है, डस का उपयोग करेंगे और यहां का वर्ब के साथ एस जो रहता है उसको भी हमको क्या कर देना है? हटा देना है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये कैसे चेंज होगा? ही यहां पर है ना, इसको भी आपको याद रखना है, ही डस, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, नॉट लगा दो, ही डस नॉट। अब यहां से क्या होगा? यस हटेगा, ही डस नॉट टीच वेल, वह अच्छा पढ़ाता है, वह अच्छा नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं?
चेंज कर देते हैं नेगेटिव में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। और अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, ही शीट के साथ हम किसी का नाम भी लगा सकते हैं, है ना, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम भी लगा सकते हैं। तो अब हम सिंगुलर के साथ में देखेंगे उसको नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं। रीना प्लेस वेल, बहुत ही छोटा छोटा एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, रीना प्लेस वेल, है ना। अब यहां पर ये रीना क्या है, नाम है, शी के लिए उपयोग किया गया है, सिंगुलर है, एक ही लड़की है, तो हम लगाएंगे क्या, डस। तो इसको भी चेंज कर दो, रीना डस, है ना। उसके बाद नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट लगा दिए, रीना डस नॉट प्ले वेल। अब ये हम यहां से हटा दिए, प्ले वेल, रीना डज नॉट प्ले वेल, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज कर देते हैं। मान लो यहां पर किसी दो जन का नाम है, रीना एंड मीना, कुछ भी लिख दिए, फॉर एग्जाम्पल दो जन का नाम है यहाँ, ठीक है। यहां मैं रीना के साथ और एक नाम जोड़ देता हूं, रीना एंड मीना, दो नाम हो गया, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, रीना एंड मीना। तो उसके साथ में हमको डस नहीं लगाना है, है ना, नाम देख करके तुरंत हमको डस नहीं लगाना है, देखना है एक जन है कि दो जन है, ज्यादा है, तो रीना एंड मीना, तो यहां क्या होगा, डू होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो इधर का सब्जेक्ट क्या है, वो प्लूरल है। रीना एंड मीना डू नॉट प्ले वेल। तो ये चेंज हो गया हमारा क्या, नेगेटिव में। आई होप ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो साधारण वाक्य होता है, अफर्मेटिव वाक्य होता है उसको, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे कौन सा में जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस भी कंफ्यूजन होता है, उसको भी मैं क्लियर करके दे रहा हूं। अगर मान लो क्लियर नहीं है, दोबारा वीडियो देखिएगा, कहां पर एस हटाना है, कहां पर डू लगाना है, कहां डस लगाना है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो देखिएगा, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम देख लिए, आप पास्ट टेंस देखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये याद है तो आप गलत नहीं कर सकते नेगेटिव में चेंज करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का जो वाक्य होता है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में क्या ध्यान रखना है, वर्ब का उसमें सेकेंड फॉर्म लगा हुआ होता है, उससे हमको पता चल जाना चाहिए वो सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस में जब वाक्य होता है, अफर्मेटिव वाक्य होता है, उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम लगाते हैं क्या, डिड, ठीक है। तो इसका उपयोग हम करते हैं, ये डिड जो है वो डू का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग करेंगे, और इसका उपयोग जब हम करेंगे तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, ये वर्ब का टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यही पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिड का उपयोग तो करते हैं लेकिन साथ में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, तो ये गलती हम बहुत बार करते हैं, छोटे बच्चे तो करते ही हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। राधा रोट एग्जाम वेल, राधा रोट एग्जाम वेल, राधा एग्जाम अच्छे से लिखी। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमको यह ध्यान रखना है, उसमें डिड लगाना है, नेगेटिव में चेंज करें इसलिए, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। इसको चेंज करके देखो, राधा सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड, डिड लगा लिए। अब हमको क्या देखना है, डिड लगाने के बाद में हमको नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, राधा डिड नॉट। अब आएगा क्या, वर्ब, वर्ब यहां सेकेंड फॉर्म में है, ये वर्ब जो है इधर में आकर के फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, तो रोट का क्या हो जाएगा, राइट, राधा डिड नॉट राइट एग्जाम वेल। ये चेंज हो गया हमारा क्या, नेगेटिव में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल देख लो,
शी कॉट द बॉल, शी कॉट द बॉल. यहां पर ये कॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म में है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये कॉट जो है वो कैच में बदल जाएगा, है ना. इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कैच, कॉट, कॉट होता है. तो ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा. आप देखो कैसे चेंज होता है. शी, अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब, डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में कॉट जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा. यही गलती बार बार करते हो, करना मत. कॉट का हो जाएगा कैच, शी डिड नॉट कैच द बॉल. ठीक है, तो यही कंफ्यूजन हमको बार बार होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी भी गलत नहीं करना. ठीक है, हमेशा जब डिड को उपयोग करते हैं, जहां भी डिड को उपयोग करते हैं, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा. ये नहीं कि यहां पर तो वाक्य में, साधारण वाक्य में सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, तो जब डिड को उपयोग करेंगे तो भी हमको सेकेंड फॉर्म, है ना, लगा देते हैं. तो इसको ध्यान में रखिएगा. तो वो सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा. ठीक है, बाकी के साथ में तो हम हेल्पिंग वर्ब को ढूंढते हैं और उसके बगल में नॉट लगा देते हैं, तो वो क्या बदल जाता है, नेगेटिव में बदल जाता है. उसका भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी चीज में भी कोई दिक्कत आपको ना हो. जैसे अभी एग्जांपल दिया था, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है पहले से, तो उसके बगल में बस हमको क्या करना है, नॉट लगा देना है. तो वो चेंज हो जाता है क्या में, नेगेटिव में. आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, ये चेंज हो गया नेगेटिव. ठीक है, तो जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब होता है तो हमें दिक्कत नहीं होता है नेगेटिव में चेंज करने के लिए. हेल्पिंग वर्ब को ढूंढो, बगल में नॉट जोड़ो. ठीक है, तो बस इतना ही हमको करना होता है. और जिसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे मान लो आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, अब यहां दो है देखो, तो हमको उसमें घबराने की बात नहीं है या फिर, है ना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है. बस हमको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाला देखना है, उसके बाद में हमको नोट लगा देना है. आई विल नॉट बी, अब लगा दिए हम लोग क्या, नॉट नेगेटिव बना रहे हैं. आई विल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश, आई विल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश, ये चेंज हो गया हमारा नेगेटिव में. ठीक है, तो मॉडल्स जो होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो वो सब के बाद में भी हमको क्या लगाना है, नॉट ही लगाना है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं. कोई भी मॉडल्स हो तो मॉडल्स के बाद में भी हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए. उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब या फिर कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं जोड़ते हैं. जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहां पर मॉडल क्या है, कैन है, तो इसके बगल में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो क्या चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव. आई कांट, शॉर्ट फॉर्म में कांट लिखते हैं, या फिर अगर कैनॉट लिख रहे हैं तो फिर हमको ध्यान ये रखना है, कैन को और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है, ऐसे इसको अलग अलग नहीं करना है. आई कैनॉट लिफ्ट द बॉक्स, ये चेंज हो गया हमारा नेगेटिव में. ठीक है, कोई भी मॉडल्स हो उसके बगल में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं और हम चेंज कर देते हैं. लेकिन कैन के साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, कैन के साथ जब हम नोट नॉट जोड़ते हैं तो ये कैन और नोट जो है एक साथ होता है, उसको अलग अलग नहीं करिएगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी सेंटेंस में वाक्य हो, हमको हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है और उसके बगल में नॉट जोड़ना है, तो वो नेगेटिव में बदल जाएगा. केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में बस हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होता है. ठीक है, डू, डस, यस कहाँ लगाते हैं, है ना, इतना कंफ्यूजन होता है. डिड लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या, तो अभी तो क्लियर हो ही गया होगा आई होप, है ना. तो अभी हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं अभी.
इंट्रोगेटिव, ठीक है, वाक्य हमको चेंज करना है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे बनाना है ना, क्वेश्चन जो है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो किससे शुरू होता है, WH फैमिली, WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे why, where, who, whom, है ना, तो ये सब होता है WH फैमिली में, 8 WH है ना वर्ड्स होते हैं, उनसे शुरू होता है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है हेल्पिंग वर्ब, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, उनसे शुरू होता है, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या चीज को, हेल्पिंग वर्ब से कैसे शुरू होता है उसको, ठीक है। तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है ना, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको हेल्पिंग वर्ब उठाना है, वाक्य के शुरू में लिखना है, बस फिर चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां ढूंढना हमको हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मिल गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हमको कहां ले आना है, वाक्य के शुरू में ले आना है, तो वो चेंज हो जाएगा क्या में, इंट्रोगेटिव वाक्य में, ठीक है। नेगेटिव बना रहे थे तो आर के बाद में नॉट जोड़ रहे थे तो नेगेटिव में बदल रहा था, अब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो आर को या फिर हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सामने में लिखना है, तो वो चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, है ना। तो इसको क्या करना है, ऐसे आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये चेंज हो गया क्या, इंट्रोगेटिव, है ना, ये चेंज हो गया इंट्रोगेटिव में। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा रहे हो, है ना। तो हिंदी में भी ये ध्यान रखिएगा, जब भी वाक्य के शुरू में क्या हो, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तब हमेशा उस वाक्य को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा शुरू में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसे डू डस है ना, उसका रूल सेम होगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब डू डस या फिर डिड जब हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो उसको क्वेश्चन बनाएंगे तो डू डस सामने आएगा, डिड सामने आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ना डिड में चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी मैं उसको भी बता के देता हूं तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, रामू राइट्स वेल, ठीक है, रामू राइट्स वेल, अब यहां रामू है, ही शीट ही के लिए यूज हुआ है तो यहां ऐसे लगाया हूं मैं, है ना। अब इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, डू डस है ना, डू या फिर डस लगाते हैं। अब किसके साथ डू, किसके साथ डस, आपको याद होगा, है ना, तो उसी प्रकार से हमको चेंज करना है। अब हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो हमको ये हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखना है। अब रामू क्या है, ही शीट के लिए है, ही शी इट के लिए हम क्या लगाते हैं, डस लगाते हैं, तो लगा दो यहां डस, डस है ना, डस उसके बाद में रामू, सब्जेक्ट डस रामू राइट वेल। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया था, जब भी हम डस का उपयोग करते हैं है ना, तो इधर का जो एस होता है वो हट जाता है ना, उसको भी ध्यान रखिएगा। डस रामू सिंग वेल, ये चेंज हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव में। उसी प्रकार से हम चेंज करते हैं पास्ट टेंस का भी, एक पास्ट टेंस एग्जांपल देखो, ऋषभ डांस्ड वेल, सेम एग्जांपल दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ऋषभ डांस्ड वेल, ठीक है, डांस्ड यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो लगाते हैं क्या, डिड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान में रखना। तो इसको चेंज करेंगे, डिड सामने आ जाएगा, डिड ऋषभ डांस, है ना, सेकेंड फॉर्म डांस का फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, ऋषभ डांस्ड वेल, ये चेंज हो गया क्या, इंट्रोगेटिव में, यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, डिड ऋषभ डांस वेल, क्या ऋषभ अच्छा नाचा, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, बाकी जो सेंटेंस होता है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हमको सामने में लिख देना है, तो वो चेंज जाएगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं सेकेंड वाले को, जल्दी से बोर मत होइएगा, है ना, हम सीख रहे हैं, कभी कभी हमको ध्यान से बैठ करके पढ़ना भी होता है, तो इसलिए
हर समय इंटरटेनमेंट भी जो है नहीं होता है, तो है ना, साथ साथ में इंटरटेनमेंट तो करते ही रहेगा लेकिन हमको सीखना भी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा किस चीज़ को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब WH वाला देखो, WH वाला में क्या होता है, हमको WH वर्ड को बस हमको सामने लिखना होता है, ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो एग्जाम्पल एक देख लो यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। रामू टॉट इंग्लिश, ये कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, हमको लगाना है क्या डिड और वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसको ध्यान में रखना है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना है कहां पर है ना डब्ल्यू एच वाला लगाना है। हम पहले उसको चेंज कर देते हैं ये हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हम कैसे चेंज करेंगे उसको, डिड रामू है ना, डिड लगाए रामू टीच है ना, टॉट का टीच, डिड रामू टीच इंग्लिश, क्या रामू इंग्लिश पढ़ाया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें पूछना क्या है कि इंग्लिश है ना, इंग्लिश को पूछना है रामू क्या पढ़ाया, तो आंसर में क्या आएगा इंग्लिश, तो इधर में हमको क्या जोड़ देना है, व्हाट डिड रामू टीच, इसको इधर से हटा देना है ना, तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन है ना, बस हमको ऐसे ही लिखना है व्हाट डिड रामू, व्हाट डिड रामू टीच, ये चेंज हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से हमको चेंज करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी क्वेश्चन के शुरू में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसमें हिंदी में जो है वो क्वेश्चन वर्ड शुरू में नहीं आता है, वो बीच में आता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम सीखेंगे क्या चीज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब उसमें क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो, उसको मैं जल्दी से समझा देता हूं भी है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अब यहां पर देखिए, सीमा गोज टू मार्केट, ठीक है, सीमा गोज टू मार्केट, अब ये क्या है, साधारण वाक्य है। अब इसको हमको चेंज करना है इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे इसमें, डस लगाएंगे क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये चेंज हो जाएगा डस, डस सीमा गो टू, डस सीमा गो टू मार्केट, ये चेंज हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। अब इसमें हमको लगाना है नेगेटिव भी, तो हमको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में हमको क्या लगा देना है इधर में, नॉट, तो वो चेंज हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्या सीमा बाजार नहीं जाती है, ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या सीमा बाजार नहीं जाती है। तो अब हमको अब इसमें चेंज करना है डब्ल्यू एच वाला, अगर मान लो सीमा कहां जाती है बनाना है, तो हमको क्या करना है, इसके सामने में कहां का क्वेश्चन वर्ड, वेयर होता है, तो वेयर लगा देंगे हम यहां, वेयर डस सीमा, अब हमको यहां क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट, डस सीमा नॉट गो टू मार्केट, ये चेंज हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो कोई भी टेंस हो बस रूल जो है यही है, रूल यही है, ठीक है, तो इसी चीज को हमको ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में हम वीडियो अंत करेंगे। अब यहां पर देखिए, राहुल रेड अ स्टोरी बुक, अब रीड जो है ये रीड का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन यहां पर क्या के लिए यूज किया हूं है ना, सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज किया हूं। राहुल रेड अ स्टोरी बुक, इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो कैसे चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में है तो लगाएंगे क्या, डिड राहुल रीड अ स्टोरी बुक,
ये चेंज हो गया हमारा क्या इंट्रोगेटिव में। अब नेगेटिव भी बनाना है तो हम मैं क्या बताया था, सब्जेक्ट को ढूंढना है उसके बगल में लगाना है क्या नॉट, ये चेंज हो जाएगा क्या में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, अगर हम डब्ल्यू एच वाला बनाते हैं तो भी हमको क्या करना है, हमको क्या करना है राहुल के बाद में या फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है तो वो चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। जैसे इसको चेंज करते हैं तो ये क्या किया है, स्टोरी बुक रीड किया है, तो उसके लिए हम क्या क्या पूछेंगे, राहुल क्या पढ़ा, है ना, तो क्या के लिए इंग्लिश वर्ड होता है व्हाट, व्हाट डिड, व्हाट डिड राहुल, सब्जेक्ट मिल गया, नॉट लगा दो इधर में, व्हाट डिड राहुल, व्हाट डिड राहुल नॉट रीड, ये चेंज हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। व्हाट डिड राहुल नॉट रीड मतलब क्या राहुल नहीं पढ़ा, क्या राहुल नहीं पढ़ा है, स्टोरी बुक नहीं पढ़ा है, कुछ और बुक पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। आई होप आपको है ना अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फिर से वीडियो और एक बार देख लीजिएगा, लेकिन कंफ्यूजन को दूर कर दीजिएगा। ठीक है, बार बार गलती मत कीजिएगा, हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं इन्हीं से रिलेटेड इंग्लिश में। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं एक एक चीज को अच्छे समझाने की कोशिश किया है। अगर मान लो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो जरूर आप लाइक दे दीजिएगा, है ना, अगर वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि इसी प्रकार से जो है इंग्लिश से रिलेटेड है ना मैं आप लोगों को कुछ बताने सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर सीखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में हमको जो है अपने से खुद से सीखना बहुत ज़रूरी है, कोई क्लासेस नहीं चल रहे हैं, स्कूल बंद है, तो हमको सीखना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर पूरे साल बर्बाद हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन बोलते हैं, टाइम जा रहा है ना, वो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए टाइम को यूटिलाइज करके हमको चलना है, सीखते जाना है ताकि आगे हमें काम आए। ठीक है, तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।